हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एकेडमी ऑफ अर्थ साइंसेज. दिस इज आकांक्षा एंड यू आर वॉचिंग द CSIR नेट जून 2023 सॉल्यूशंस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 51. द फिगर शोज सीजनल वेरिएशंस इन थ्री बायो जियोकेमिकल पैरामीटर्स इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन. आइडेंटिफाई द पैरामीटर्स शोन इन कर्व्स ए, बी एंड सी. ओके, सो हमारे पास ऑप्शन में तीन चीजें हैं, फाइटोप्लैंकटॉन, नाइट्रेट एंड जूप्लैंकटॉन. ठीक है, अब हमें बताना है कि इनकी कंसंट्रेशन या इनकी अबंडेंस कैसे वैरी कर रही है इन विंटर, स्प्रिंग, समर एंड फॉल. ओके, फर्स्ट लेट्स कम टू फाइटोप्लैंकटॉन एंड जूप्लैंकटॉन. फाइटोप्लैंकटॉन्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड या एनर्जी इनटेक करते हैं. सो ड्यूरिंग समर एंड स्प्रिंग, इस टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है और वार्म टेम्परेचर होता है, सनलाइट की अबंडेंस होती है, न्यूट्रिएंट्स की भी अबंडेंस होती है, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है. और इस टाइम पे हमें फाइटोप्लैंकटॉन्स की कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी. कब? इन स्प्रिंग एंड समर. ओके, स्प्रिंग और समर में हमें हाईएस्ट देखने को मिलेगी व्हाट? फाइटोप्लैंकटॉन्स. नाउ zooplanktons, दे ईट phytoplanktons फॉर their एनर्जी. यानी कि phytoplanktons का फूड, zooplanktons का फूड क्या है? phytoplanktons. सो अगर phytoplanktons की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो zooplanktons की कंसेंट्रेशन भी ज्यादा होगी ड्यूरिंग दिस स्प्रिंग एंड समर. ओके, सो zooplanktons भी आर हाई ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड समर्स. अब विंटर्स में क्या होगा? विंटर्स के अंदर टेम्परेचर कम हो जाए, फॉल एंड विंटर्स दोनों टाइम पे टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा. फॉल में न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी रहेगी, इसलिए हमें थोड़ी बहुत एक्टिविटी देखने को मिलेगी, लेकिन विंटर्स में दिस एक्टिविटी विल सीज टू लाइक नेग्लिजिबल, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, वहां पे टेम्परेचर कम हो जाएगा, सनलाइट की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी विंटर्स में, और न्यूट्रिएंट्स की भी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी. सो बेसिकली when we come to phytoplanktons and zooplanktons, both of them will be abundant during spring and both of them will be abundant during spring and summer, and both of them will be less in fall and winter. So let's see, the curve A is showing high concentration in winter, so this cannot be for phytoplanktons and it can also not be for zooplanktons. We need something that has low concentration during the winter month. So you can see B and C. B is showing the highest concentration during spring. Phytoplankton spring mein the abundance increases a lot. So hum ek term use karte hain, spring boom. Phytoplankton scale, kyunki they boom or we can say they grow in very large numbers during the spring months. So this B will represent phytoplanktons because it is showing highest during the spring. So this is phytoplanktons, and then we have C, which is increasing, which is less in the winter and increasing as we are going from spring to summer. So C will be zooplanktons. Then last we have नाइट्रेट. ओके, अब नाइट्रेट क्या होगा, जैसे हमारी कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी फाइटोप्लैंकटॉन्स की, दे विल नीड दैट नाइट्रेट फॉर देयर न्यूट्रिशन, वो नाइट्रेट लेंगे. तो जैसे ही फाइटोप्लैंकटॉन्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी, नाइट्रेट की कंसेंट्रेशन क्या होगी, कम हो जाएगी. यानी कि ड्यूरिंग समर सीजन जब हमारे पास ज्यादा फाइटोप्लैंकटॉन्स होते हैं, उस टाइम पे नाइट्रेट क्या हो जाएगा, कम. एंड इन विंटर्स व्हेन द बायोलॉजिकल एक्टिविटी विल बी रिड्यूस्ड, उस टाइम पे हमारे नाइट्रेट की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी बिकॉज इट इज नॉट बीइंग यूज्ड. ओके, सो ए विल बी नाइट्रेट बिकॉज इट इज हाईएस्ट इन विंटर एंड इट इज वेरी लो, और वी कैन से अराउंड जीरो इन स्प्रिंग, एंड इट हैज वेरी स्मॉल वैल्यू ड्यूरिंग द समर्स, एंड अगेन इट इज इंक्रीजिंग ड्यूरिंग फॉल. सो वी कैन से दैट ए इज नाइट्रेट. So let's see which option is right. A is nitrate, B is phytoplankton, and C is zooplankton. So option 2 will be the right answer.
Moving on to the next question, two identical wires of length L are used to make a circular and a square loop respectively, and current I ampere is applied in these loops. The generated magnetic field at the center of the square loop will be dash times the magnetic field at the center of the circular loop. Okay, दोनों वायर्स L लेंथ के हैं, एक को हमने स्क्वायर बनाया, एक को हमने सर्कल बनाया. सो दोनों का हम पैरामीटर लेंगे. Circumference of parameter of circle is 2 pi r is, it will be equal to L, क्योंकि total हमने L length का वायर लिया है. So r will become L upon 2 pi. Similarly, for square, suppose the side is of A length, parameter would become 4A and the total length is L. So A will become L by 4. Okay, we will keep these things in mind. Okay, अब हमें यहाँ पे यूज करना है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला. सो मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ करंट कैरिंग लूप, फॉर अ स्क्वायर लूप इट विल बिकम 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए. म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, आई हमारा करंट है, ए इज द साइड ऑफ द स्क्वायर. ओके, now we know that here A is equal to L upon 4. So we will put in these values 2√2 mu naught I upon pi into L upon 4. Okay, this is for the square loop. Now for the circular loop, it is given by mu naught I upon 2R. And R, अभी हमने देखा था R was L upon 2 pi. So, इसी formula में we will put in the values mu naught I upon 2 into L upon 2 pi. Okay? Now, we will divide magnetic moment due to square loop by magnetic moment due to circular loop. Okay? So, there are a lot of terms that will get cancelled, and when we cancel all the terms, what we will get in the end is 8√2 upon pi square, okay, which is equal to 1.1463. So, let's see what is the right answer. So, the closest value is, if we round off 1.1463, will get 1.15. So this one is the right answer. Let's start with question number 53 now. Match the following ecosystems with features associated with them. Okay, here we have some biomes and here we have some features. So let's see the features. Softer beds helps in colonization of invertebrate. Okay, softer beds. Out of these options, estuaries are found inside the water, so there are no beds there. Lotic and lentic are again, they are water-based biomes. So, softer beds that helps in colonization of invertebrate will match with seashores. So, B will match with E. Seashores mein kya hota hai? Hame zonation dekhne ko milti hai invertebrates ki. Yani ki alag alag vertical levels pe hame alag alag invertebrates dekhne ko milte hai. Jo apni apni affinity ke accordingly alag alag vertical zones mein milte hai. Okay? So, B is matched with E. Then we have occurs in running water. So, running water हमें lotic biome में देखने को मिलता है. जहाँ पे water running होता है, उसको हम lotic biome बोलते हैं. जैसे कि streams या फिर rivers. So, D is matched with F. Then we have highly productive due to huge inflow of nutrients from land. Okay. अब क्या होता है? ये हमें देखने को मिलता है एस्चुरीज में. एस्चुरीज क्या होते हैं? एस्चुरीज आर बेसिकली फॉर्म्ड व्हेन फ्रेश वाटर ऑफ रिवर्स एंड द सॉल्ट वाटर ऑफ ओशंस दे कंबाइन. जहां पे ये दोनों मिलते हैं वहां पे हमें एस्चुरीज देखने को मिलती है, और वहां पे जो मरीन लाइफ होती है इट इज वेरी डाइवर्स. इट हैज हाई प्रोडक्टिविटी क्योंकि रिवर्स अपने साथ न्यूट्रिएंट्स लेके आते हैं फ्रॉम द लैंड. सो जी इज मैच्ड विद सी. Then the last is occurs in lake or pond. This is matched with lentic, क्योंकि lentic
जो बायोम होता है वहां पे स्टिल वाटर देखने को मिलता है, यानी कि वाटर जो रुका हुआ है ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, रिजर्वॉयर्स में, लेक्स में या फिर पॉन्ड्स में, बट दिस वाटर इज रिलेटिवली फ्रेश. ओके, सो एच इज मैच्ड विथ ए. ओके, लेट सी विच ऑप्शन हैज एच मैच्ड विथ ए. ऑप्शन थ्री, बी इज मैच्ड विथ ई, सी इज मैच्ड विथ जी एंड डी इज मैच्ड विथ एफ. So, option 3 is the right answer. Moving on to the next question. The correct match in the following figures associated with an image interpolation method is. Okay, so we have an image interpolation algorithm. In the first column, first we have nearest neighbor interpolation. And we have to match it with one of the entries in the B column. Okay, nearest neighbor interpolation considers 16 pixels for calculation, considers 4 pixels for calculation, and considers 1 pixel for calculation. Okay, for nearest neighbor interpolation, we consider the nearest neighbor. यानी कि जो सबसे पास वाला neighbor है उसी को consider करते हैं. So, we will consider only 1 pixel. So, A, 1 is matched with B, 3. Now, we also need to match it with an entry in C. So, nearest in neighbor interpolation, relatively faster and output is fairly good, more preferred for categorical data and computational cost is very high. Okay, so nearest neighbor interpolation is preferred for the categorical data. Categorical या discrete data के लिए हम इसे use करते हैं, जहाँ पे हमारा जो data है वो different categories में present है, यानी कि अलग अलग बहुत सारे regions हैं उस इमेज के अंदर जिनको हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया. ठीक है, सो सी इज सेकेंड कॉलम में हमारा है सी टू. ओके, नाउ वी हैव बायलिनियर इंटरपोलेशन. बायलिनियर इंटरपोलेशन में हम क्या करते हैं, हम 4 पिक्सल्स को कंसिडर करते हैं. ठीक है, सो ए टू विल बी मैच्ड विद बी टू एंड let's see for the C, relatively faster and output is fairly good, computational cost is very high. Okay, अब क्या होता है, जो हमारा bilinear interpolation होता है वो हमें fairly faster input देता है and it is good as compared to the bicubic interpolation. Bicubic interpolation हमें जो output देता है वो बहुत ही high quality, बहुत ही अच्छी quality, बहुत ही superior quality का output देता है, but it requires a lot of computational cost, क्योंकि इसमें हमें बहुत ही अच्छे हार्डवेयर, बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर, बहुत ही हाई क्वालिटी कंप्यूटेशनल कॉस्ट यूज करनी पड़ती है. इसलिए फॉर द bilinear interpolation द करेक्ट ऑप्शन वुड बी रिलेटिवली फास्टर एंड आउटपुट इज फेयरली गुड. सो इट इज मल्टी मैच्ड विद सी वन. देन वी हैव बाय क्यूबिक इंटरपोलेशन, इट कंसिडर 16 pixels. So, A3 is matched with 16 pixels, B1. And as I told you, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो एक बारे में वो pixels consider कर रहा है वो 16 है, तो हमारी जो जो हमारा calculation time है वो भी increase हो जाएगा, और अच्छी quality की image produce करने के लिए हमें थोड़े advanced hardwares and softwares की ज़रूरत पड़ेगी. So, हमारी computational cost क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी. So, this bicubic interpolation will be matched with computational cost is very high. C3. Okay, let's see कि कौन से options में हमें ये सब देखने को मिल रहा है. Okay, first we have A2, B2, C2. A2, B2, C2. So, this option is not right because A2 and B2 are matched with C1. Then we have A3, B2, C1. A3, B2, C1. Again, this is wrong. Then we have A2, B1, C3. A2, B1, C3. ऐसा कोई option नहीं है. This is also wrong. Then we have A1, B3, C2. A1, B3, C2. So, only option 1 is right. All other options are not correct. ठीक है, अगर हमारे पास इन तीनों में से कोई सा भी option होता तो वो ही correct answer होता, but यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है, सो दिस वन इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिलाजिक सेडिमेंट्स शोन इन द डार्क शेड इन द गिवन
figure above indicates. Okay, so as you can see, the majority of the area is here. This area corresponds to the southern ocean. Okay, अब यहाँ पे सदर्न ओशन में हमें सबसे ज्यादा जो पिलाजिक सेडिमेंट्स देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं डायटोमिक पूल्स. ओके, डायटम्स आर बेसिकली सिंगल सेल्ड एल्गे विच हैव अ सिलिका सेल वॉल. ओके, सो इट विल बी सिलिशियस पूल्स ऑफ डायटम्स. नॉट There is another option, siliceous ooze of radiolarians, but we don't find radiolarians in that area. What we find are diatoms. Okay, so this one would be the right answer. Moving on to the next question. The S tectonite foliations typically trace the dash plane of the finite strain ellipsoid. Okay, so X, jo S tectonite foliations hote hain, they basically correspond to flattening. We can say flattening strain. So we can find them on the xy plane of the strain ellipsoid, because xy plane is the plane of flattening strain. So the right answer would be option 2. Moving on to the next question. Assertion A, velocity is necessary to erode a consolidated clay bank are comparable to those that move pebbles and cobbles. Reason, this is because of strong cohesiveness of clay sized particles and their relative smoothness. Now we have to choose the correct option. So velocity, ये कह रहा है कि जो velocity consolidated clay को remove करने के लिए या erode करने के लिए चाहिए वही same या comparable velocity हमें pebbles and cobbles को move करने के लिए भी चाहिए. Now this assertion is correct because जो हमारे clay particles होते हैं वो बहुत ही ज्यादा cohesive होते हैं और they stick together जिसकी वजह से they become very compact. अब compact होने की वजह से उनको erode करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, difficult. Same pebbles और cobbles क्या होते हैं, they don't have high cohesiveness but उनका mass ज्यादा होता है, उनका size बड़ा होता है, so उनको move करने के लिए we need higher velocities. So, वो दोनों velocities are comparable, okay? And the reason this is they are giving is because of strong cohesiveness of the clay particles and their relative smoothness. ठीक है? So, both assertion and reason are correct. So, let's see. A is correct but R is incorrect. No. A is incorrect but R is correct. No. Both A and R are correct and R is the correct explanation of A. So option 3 will be the right answer. Moving on to the next question. Which of the following group is the food source for the large Antarctic whales? Large Antarctic whales, also called baleen whales. Okay, so baleen whales basically they do filter feeding and they need a large prey for their food requirements. And the organism should also be very abundant. So let's see the option. First we have ostracods. Ostracods are very small in size and they are not very abundant in the Antarctic area. So this option cannot be correct. Then we have amphipods and euphausids and copepods. Now out of these options, the largest is euphausids. Also they are called krill. These are basically shrimp-like crustaceans जो बहुत ज्यादा abundant है in the environment of the large Antarctic whale. So they basically feed on these euphausids. Amphipods and copepods are also important food sources, but large Antarctic whale उनको अपनी primary food source की तरह use नहीं करती है. बेसिकली एम्फीपोड्स एंड कोपेपोड्स को स्मॉल फिशेज या स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स अपने फूड सोर्स की तरह यूज करते हैं, बट जो लार्ज वेल्स होती है जैसे कि ब्लू वेल, वो क्रिल को अपना फूड सोर्स बनाती है, जिनको हम यूफोसिड्स भी बोलते हैं. सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ स्पेशियल डेटा विद स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स यूज टू मेजर देम. ओके, फर्स्ट टेक्निक इज मीन सेंटर. सो मीन सेंटर या सेंट्रॉइड जो होता है वो सेंट्रल टेंडेंसी बताता है किसी भी
डेटा की या स्पेशल डेटा की सबसे ज़्यादा या एवरेज जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, ठीक है। सो इट विल बी मैच्ड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रल टेंडेंसी एक ही बात है। सो क्यू इज मैच्ड विद ए, देन वी हैव स्टैंडर्ड डिस्टेंस। स्टैंडर्ड डिस्टेंस बेसिकली हम एब्सोल्यूट डिस्पर्जन फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर बेसिकली हम एक स्टैंडर्ड डेविएशन एलिप्स बनाते हैं, जिसकी मेजर और माइनर एक्सिस पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो पॉइंट्स है वो उनके बीच में कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यूज, ठीक है। सो दे टेल अस द, सो स्टैंडर्ड डिस्टेंस इज एसोसिएटेड विद एब्सोल्यूट डिस्पर्जन ऑफ पॉइंट ओवर स्पेस एंड वी यूज अ स्टैंडर्ड डेविएशन एलिप्स फॉर दिस। सो बी इज मैच्ड विद आर। देन वी हैव क्रिगिंग। क्रिगिंग इज एसोसिएटेड विद स्पेशियल ऑटो कोरिलेशन। ऑल्दो क्रिगिंग से हमें डायरेक्टली पता नहीं चलता स्पेशियल ऑटो कोरिलेशन, बट इट कैन हेल्प अस इन फाइंडिंग द स्पेशियल ऑटो कोरिलेशन इन केस इफ देर आर सम मिसिंग पॉइंट्स इन द स्पेशियल डेटा। सो एस इज मैच्ड विद सी। लास्ट इज एवरेज नियरेस्ट नेबर रेशियो। सो एवरेज नियरेस्ट नेबर रेशियो और ANN रेशियो क्या करता है, बेसिकली ये हमें बताता है कि कोई भी पॉइंट कोई भी स्पेशल डेटा के अंदर पैटर्न कैसा है, क्या हमारे डेटा पॉइंट्स क्लस्टर्ड है, क्या वो डिस्क्रीट है या वो रैंडम है एज कंपेयर टू अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। सो इट विल टेल अस अबाउट द स्पेशल रैंडमनेस। सो पी इज मैच्ड विद डी। सो लेट्स सी विच ऑप्शन हैज दिस। पी इज मैच्ड विद डी, okay, so these two are not right. S is matched with C, this is matched with C, R is matched with B and Q is matched with A. So 4 is the right answer. Moving on to question number 60, match the zooplankton types with their respective foods. Okay, here we have zooplankton and here we have food. First we have herbivores. We know herbivores, they eat plants. So let's see which option has plant. Okay, life, plant, material or algae. So B, P is matched with B. Then we have carnivores. Carnivores we know they eat other animals or other organisms. So Q is matched with A, live animal. Then we have omnivores. Omnivores they eat both plants and animals. So R is matched with C, both plants and animals. Then we have detrivores. Detrivores basically feed on the detrital material. So detrital material is dead organic material. So S is matched with D. Let's see which option has the right answer. P matched with B. Okay. Q matched with A. R matched with C. And S matched with D. So option one is the right answer. Moving on to question number 61. Column 1 lists important concept underlying various climate classification schemes, whereas names of these schemes are listed in column 2. Match column 1 with column 2. Okay, let's start with D. We have Thornwaite's classification. Thornwaite's classification mein basically kya hota hai? It considers, or we can say it tells, that temperature is not adequate to tell us about the climate of a place. We also need to know about the moisture content of the place. So let's see, it matches with R. In delineation of climate classes, temperature is not an adequate indicator of ecological productivity. We also need moisture. So R and D are matched. Then we have Bodaico's classification. Bodaico's classification mein kya hota hai? Hum Bodaico's curve draw karte hai, jis curve ke andar hum evapotranspiration और precipitation के बीच में basically वो curve draw होता है. So let's see. It is matching with P, the ratio of net radiation to energy required to evaporate unit volume of local precipitation forms the basis for classifying climate. So हम क्या कर रहे हैं, हम basically evaporation के लिए एक unit volume of
प्रिसिपिटेशन को इवेपोरेट करने के लिए कितनी एनर्जी यूज हो रही है उस रेशियो को यूज कर रहे हैं. बेसिकली वी आर यूजिंग दी बडाइकोज कर्व. सो पी इज मैच्ड विथ सी. देन वी हैव ट्रिवाटास क्लासिफिकेशन. ट्रिवाटास क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है, हम बेसिकली 0 डिग्री आइसोथर्म को कंसिडर करते हैं ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ. कोल्डेस्ट मंथ का 0 डिग्री आइसोथर्म लेते हैं हम और उसके बेसिस पे हम हमारा कोल्ड और हॉट वेदर डिवाइड करते हैं. सो बी इज मैच्ड विथ एस. 0 डिग्री आइसोथर्म ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ सेपरेट्स द कोल्ड ड्राई क्लाइमेट फ्रॉम द हॉट ड्राई क्लाइमेट. सो बी इज मैच्ड विथ एस. देन द लास्ट इज कोपेन्स क्लासिफिकेशन. कोपेन्स क्लासिफिकेशन बेसिकली टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन दोनों को कंसिडर करता है किसी भी इन्वायरमेंट को, किसी भी क्लाइमेट को क्लासिफाई करने के लिए. सो इट इज मैच्ड विद क्यू. 5 of the 6 फर्स्ट ऑर्डर क्लाइमेट टाइप्स आर बेस्ड ऑन द मंथली मीन टेम्परेचर वैल्यू. सो इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर एज आई टोल्ड यू. सो क्यू इज मैच्ड विद ए. लेट सी. आर इज मैच्ड विद डी. ओके. पी इज मैच्ड विद सी. S is matched with B and Q is matched with A. So 4 is the right answer. Moving on to question number 62. Consider the following statements. First statement is, the crescent form of Barkan dunes consists of a steep windward slope and a gently inclined leeward side. Okay. So Barkan dunes ke andar kya hota hai? Basically, jo hamari windward side hoti hai, windward side is gently dipping and the leeward side is steeper. Okay, so the first statement is not right. Then the next is, horns or cusps of the Barkan dunes project downwind, making the slip face concave to the downward B direction. So this option is correct. So let's see what is the right answer. A is false and B is true. So this would be the right answer. Moving on to the next question, match the geomorphic features with the geomorphic processes. Okay, first we have demoiselles. Demoiselles basically kya hota hai? Ridge jaise features hote hain aur ye wind erosion ki wajah se bante hain. So ye hame kahan dekhne ko milenge? Ye basically hame arid regions mein dekhne ko milenge. So A is matched with Q. Sorry, this is O. A is matched with O. Then we have ridge and swell. Ridge and swell भी elongate features होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं river deposition की वजह से. So ridge and swell will be associated with fluvial process. So B is matched with N. Then we have wharf. Wharf basically deposits होते हैं जो हमें glacial lakes में देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर alternate band होते हैं, lighter and darker bands जो seasonal variations show करते हैं. So they are related with the fluvo-glacial process. क्योंकि यहाँ पे lakes हैं तो हम fluvial process use कर रहे हैं and because it is the lake is forming because of melting of the glacier, so हम glacial भी use कर रहे हैं. So C is matched with L. Then we have pingo. Pingo basically एक mount होता है जो ice, मतलब basically ice से formed mount होता है जिसके ऊपर sediments deposit, जिसके ऊपर जो sediments से covered होता है या अर्थ से कवर्ड होता है. अब इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे परमाफ्रॉस्ट होता है. परमाफ्रॉस्ट एरियाज में जो सैचुरेटेड ग्राउंड होता है वो फ्रीज हो जाता है और ये इसको ऊपर की तरफ पुश करता है, जिसकी वजह से हमें एक माउंट जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. सो पिंगो इज एसोसिएटेड विद द पेरीग्लेशियल प्रोसेस. सो डी इज मैच्ड विद पी. सो लेट सी. ए इज मैच्ड विद ओ. बी इज मैच्ड विद एन. C is matched with L and D is matched with P. So first option is the right answer. Moving on to the next question, which one of the following statements is correct? Okay, let's start from the last. Wave revenement surface formed during normal regression. So wave revenement surface जो होते हैं ये हमें basically forced regression के केस में देखने को मिलता है. So this statement is not correct.
मैक्सिमम एग्रेसिव सर्फेस अकर्स एट द बेस ऑफ लो स्टैंड सिस्टम ट्रैक डिपॉजिट. सो द मैक्सिमम एग्रेसिव सर्फेस होता है वो हमें बेस में नहीं टॉप में देखने को मिलता है ऑफ लो स्टैंड सिस्टम ट्रैक्स. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट नॉट करेक्ट. देन नेक्स्ट इज मैक्सिमम फ्लडिंग सर्फेस अकर्स एट द टॉप ऑफ हाई स्टैंड सिस्टम ट्रैक. मैक्सिमम फ्लडिंग सर्फेस बेसिकली अकर होता है ऑन द टॉप ऑफ ट्रांसग्रेशन सिस्टम ट्रैक. ओके ऑल्सो कॉल्ड टीएसटी. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट राइट. Then the last option is regressive surface of marine erosion forms during forced regression. Forced regression basically कब होता है, कोई tectonic change होने की वजह से हो सकता है या फिर कोई global effect हो जिसकी वजह से हर जगह पे regression देखने को मिले. तो क्या होगा ऐसे केस में, हमारी जो shore है वो seaward move करेगी और जो बचा हुआ area है जो पहले water के अंदर submerged था वो expose हो जाएगा और वहां पे हमें मरीन इरोजन देखने को मिलेगा. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो ओनली द स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट. मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर अ हाइपोथेटिकल रॉक यूनिट एट 10 डिग्री नॉर्थ विद लिटिल और नो नॉर्थ एक्स एंड वर्टिकल जेड कॉम्पोनेंट ऑफ नेचुरल रेमिनेंट मैग्नेटाइजेशन NRM बट अ स्ट्रॉन्ग ईस्ट वाई कॉम्पोनेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेरेंसेस इज नॉट valid. Okay, let's see. First is rock unit acquired its NRM when it was at the magnetic equator. Okay, magnetic equator पे क्या होता है, horizontal होती है हमारी magnetic field lines और उनका जो vertical और north component होता है वो approximately zero होता है. So it will be parallel to the east direction क्योंकि this is east direction, this is north and this is our vertical direction. So vertical component equator पे is zero and the north component is almost zero because it is at the equator, 0 degree pe hai. So field lines are parallel to the y direction. So this option is right. Then the next is earth's magnetic field was under transition to a reversal when the rock unit acquired its NRM. Agar hamara rock kisi magnetic field reversal ke through ja raha hota to hame definitely iske vertical aur नॉर्थ कॉम्पोनेंट में कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं, यानी कि साइन रिवर्सल्स हमें देखने को मिलते हैं नॉर्थ में और वर्टिकल डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में हमें साइन चेंजेस देखने को मिलते हैं. सो दिस ऑप्शन इज नॉट वैलिड. द नेक्स्ट ऑप्शन इज अ रॉक यूनिट मूव नॉर्थवर्ड 10 डिग्री सिंस अक्वायरिंग NRM. बिकॉज अभी हमने फर्स्ट ऑप्शन में डिस्कस किया क्योंकि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो इक्वेटर पे पैरेलल होती है. दैट मीन्स कि इसने अपना NRM तो इक्वेटर पे ही अक्वायर किया होगा, लेकिन हमें ये 10 डिग्री नॉर्थ पे मिल रहा है. सो दैट मींस इट मस्ट हैव मूव्ड. सो दिस ऑप्शन इज आल्सो वैलिड. देन द लास्ट ऑप्शन इज रॉक यूनिट रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री सिंस अक्वायरिंग NRM. ओके सपोज दिस इज आवर रॉक यूनिट, ये इसका वाई कॉम्पोनेंट हो गया, ये इसका एक्स यानी नॉर्थ कॉम्पोनेंट हो गया, दिस वन इज द जेड और द वर्टिकल कॉम्पोनेंट. अगर हम इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे सो दिस वाई विल कम इन प्लेस ऑफ एक्स and x will come in place of y, यानी कि x हमारा west में आ जाएगा और हमारा y कहाँ पे आ जाएगा, north वाले direction में, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे y आ जाएगा. But this is not aligning with the information that we have, क्योंकि ये बोल रहा है कि y direction में strongest है, but अगर हम rotate, अगर rock rotate हो गया होगा so x वाला direction आ जाएगा हमारा east की side और y वाला डायरेक्शन हमारा आ जाएगा नॉर्थ की साइड. सो दैट मींस कि अब हमारा नॉर्थ वाला कंपोनेंट क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया, क्योंकि y अब कहाँ चला गया, नॉर्थ में. सो दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस. सो दिस इज नॉट वैलिड. लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक, शुड ऑप्शन 4 बी करेक्ट? बट आई थिंक बोथ ऑप्शन 2 एंड 4 शुड बी इनकरेक्ट. सो आई वुड से 2 एंड 4 बोथ आर इनकरेक्ट. Thank you guys for watching the video. If you like the video, give it a big thumbs up. And if you have questions and queries, write it down in the comment section below. And if you are new to our channel, I would ask you to consider subscribing. And don't forget, we bring new videos every Wednesday and Friday. And I'll see you in the next video. Goodbye.